आइए देखते हैं मोटो H50 प्रो वर्सेस H50 नियो वर्सेस H50 फ्यूजन में टिटल कंपेरिजन। आइए सबसे पहले इन तीनों फ़ोन की कीमत के बारे में जान लेते हैं। मोटो H50 प्रो फोन 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 31,999 रुपये से शुरू होता है। वहीं मोटो H50 नियो फोन 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपये में आता है। मोटो H50 फ्यूजन फोन 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपये से शुरू होता है। तीनों फोन में डिस्प्ले की बात करें तो मोटो H50 प्रो और H50 फ्यूजन में 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जबकि H50 नियो में 6.4 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है। रियर कैमरा की बात करें तो मोटो H50 प्रो और H50 नियो में 50+10+13 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और H50 फ्यूजन में 50+13 मेगापिक्सल का सेटअप दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो मोटो H50 प्रो में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जबकि नियो और फ्यूजन मॉडल में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तीनों फोन में प्रोसेसर क्या है आइए देख लेते हैं। मोटो H50 प्रो में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 चिपसेट दिया गया है, जबकि नियो और फ्यूजन मॉडल में क्रमशः डायमेंसिटी 7300 और स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिप दिया गया है। आइए अब बैटरी की बात कर लेते हैं। H50 प्रो में 4500 mAh की बैटरी है, H50 नियो में 4310 mAh की बैटरी दी गई है और H50 फ्यूजन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है।